तेली का मंदिर नाम से ही पता लगता है इस मंदिर का इतिहास तेल से जुड़ा हुआ है। मंदिर के नाम के पीछे तरह तरह की किंवदंतियाँ मशहूर हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस मंदिर से जुड़ी रोचक बातें जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तेली का मंदिर राजा मिहिर भोज के द्वारा बनवाया गया था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के राजा थे जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। तेली का मंदिर और खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल एक ही समय का बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण शैली में किया गया। कहते हैं राजा मिहिर भोज ने दक्षिण की एक राजकुमारी से शादी की। दक्षिण में एक प्रथा के अनुसार प्रचलन था कि शादी मंदिर में हुआ करती थी, जिसके बाद तेली का मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर भगवान विष्णु जी के करुण रूप को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जो कि ग्वालियर किले में यह सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर है। इसके नाम के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं मौजूद हैं। कहते हैं कि ये मंदिर स्थानीय तेल के व्यापारियों की मदद से बनवाया गया, जिसके बाद इसका नाम तेली का मंदिर पड़ गया, जिसे आज तेली जाति से भी जोड़कर देखा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार इसका निर्माण तेलंगाना के शासकों द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद इसका नाम तेलंगाना के ऊपर तेली का मंदिर रखा गया। तीसरी कथा के अनुसार राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविंद तृतीय ने जब 794 ईस्वी में किले पर कब्जा किया, तब इस राजपूत मंदिर को तेलांग ब्राह्मणों को धार्मिक समारोह के लिए दे दिया, जिसके बाद इस मंदिर का नाम तेलन रखा गया, जो समय के चलते नाम बदलकर तेली का मंदिर पड़ गया। खैर, इसका नाम के पीछे कोई भी कहानी रही हो, पर आज ये मंदिर भारतीय संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। इसकी बनावट की बात करें तो ये मंदिर नागर बौद्ध द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ मौजूद हैं। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में भगवान गणेश जी की पूजा पहले होती है, तो इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ गंगा, जमुना, सरस्वती और पार्वती जी की प्रतिमा भी उकेरी गई है, और साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर भगवान गरुण की सजावटी मूर्ति बनी हुई है। खजुराहो के मंदिर की तरह इस मंदिर पर भी कामुक मूर्तियाँ बनाई गई। एक कहानी के अनुसार कहते हैं प्राचीन काल में शादियाँ कम उम्र में हो जाया करती और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस मंदिर में मूर्तियाँ बनाई गईं, ताकि शादी के बाद लोग जीवन चक्र की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और उस समय लोग अपनी शादीशुदा बच्चों को यहाँ भेजा करते ताकि वो इन मूर्तियों को देख शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि उस समय आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी जहाँ से ऐसी जानकारी मिल सके। समय बीतता गया और ये मंदिर कई शताब्दी तक अपने गौरवशाली इतिहास का साक्षी बना रहा, लेकिन 1231 में इल्तुतमिश द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद 15वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस मंदिर में 16 फैक्ट्री बनाई। समय के चलते यह मंदिर खंडर अवस्था में आ चुका था, जिसके बाद इस मंदिर की महत्वता को समझते हुए स्कॉट रेजिमेंट के अधिकारी मेजर किथ ने 1881 और 1883 के बीच में इस मंदिर की मरम्मत करवाई। ग्वालियर फोर्ट को देखने आए सैलानी इस मंदिर को जरूर देखते हैं। आज इस मंदिर को देखते ही पता चलता है कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली और उत्तम रहा होगा। इस मंदिर की देखरेख अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।